कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के कल्याण शहर ब्लॉक अध्यक्ष सलीम शेख द्वारा सुशिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार शिविर का आयोजन किया गया। गोविंदवाड़ी स्थित शकुर बंगले में आयोजित रोजगार शिविर में शहर के विभिन्न ठिकानों से आए हुए बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। बता दें कि पूरी मेहनत और लगन से अपना शिक्षण पूरा करने के बाद भी युवाओं को उनकी काबिलियत के मुताबिक नौकरी नहीं मिलती। ऐसे में पढ़े लिखे युवा जो नौकरी से वंचित हैं, उन्हें रोजगार का अवसर प्राप्त कराने के उद्देश्य से कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के कल्याण शहर ब्लॉक अध्यक्ष सलीम शेख ने रोजगार शिविर का आयोजन किया। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज देश की हालत बहुत खराब है, नौजवानों को नौकरी नहीं है और जो छोटे उद्योग धंधे उभर होते जा रहे हैं, सरकार पूरी तरह से जिम्मेदारी से अपनी हाथ ऊपर उठा रही है और हम इतने बेगैरत नहीं कि लोगों से कहेंगे कि आपने डिग्री हासिल की तो पकौड़े तलो। तो हमने एक कोशिश की है, सलीम भाई ने यहाँ कोशिश की है कि रोजगार शिविर के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को है उनका हक मिले, नौकरी मिले, जो जिस काबिल है, जिसने जितनी तालीम हासिल की है उस फील्ड में उसे नौकरी मिले, उसका हक मिले। इस कोशिश के तहत कल्याण माइनर डिपार्टमेंट की तरफ से आज प्रोग्राम और हमने तमाम कोपन डिवीजन के अंदर कहा है कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। आज का जो कार्यक्रम सलीम भाई ने ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी कि कल्याण शहर के युवाओं को इसके वजह से, ये कार्यक्रम के वजह से ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिलेगी स्कीम है वही। इस शिविर में अमेजॉन बैंकिंग और कॉल सेंटर के प्रतिनिधियों ने नौकरी के लिए इच्छुक उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया। इस अवसर पर सुशिक्षित युवक युवतियों को ऑन द स्पॉट जॉब के अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। उपस्थित अतिथियों के हाथों सिलेक्ट हुए युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। इस अवसर पर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के कोकण अध्यक्ष अनीस कुरैशी, ठाणे ग्रामीण अध्यक्ष जव्वाद चिखलेकर, कोकण अल्पसंख्यक सचिव गुलाब मनियार, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष कांचन कुलकर्णी, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष एजाज मौलवी, शकील खान, रियाज चौधरी, अशफाक शेख, अब्दुल गफ्फार शेख, बिलाल सैयद, चांद सैयद आदि कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी के सदस्य मौजूद थे। आकिब शेख, जी वार्ता न्यूज। जो रोजगार कांग्रेस कमेटी की तरफ से आयोजित किया गया है और उसमें जो पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हुए, जो बेरोजगार उनको रोजगार मिल नहीं रहा, तो हमने सोचा कि चलो भाई कुछ ऐसा प्रोग्राम करे और उस प्रोग्राम के मार्फत ये बच्चों लोगों को, जो पढ़े लिखे बच्चों उनको नौकरी मिल रही है। तो इसमें हमने तीन चार कंपनी से टाइप करके रोजगार मेला का ये प्रोग्राम आयोजित किया है। इसके लिए अमेजॉन कंपनी है, कॉल सेंटर है, इंटरनेशनल कॉल सेंटर है, बैंकिंग है, तो ये सब को जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो रोजगार हो गए तो इन लोग के मार्फत के बैंकिंग में, कॉल सेंटर में, इसके लिए लोग आयोजित करके रोजगार उनको मिल रहे। और उस हिसाब से अभी तक तकरीबन 200-250 बच्चे इधर आए हुए, तकरीबन उनको 84 बच्चे जिनको अभी तक पास हुए, सिलेक्ट हो चुके हैं और अभी बाकी है वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे और ज़्यादा बच्चों को रोजगार मिले, इसके लिए लोग ये काम कर रहे हैं।